दिल्ली में बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए हैं, ये पीतमपुरा की इस वारदात से साफ हो जाता है, जहां पुलिस पिकेट के ठीक बगल में एक बाइक सवार ने एक शख्स को सरेआम गोली मार दी। जगदीश एक सफाई कर्मचारी है जो वारदात के वक्त अपना काम कर रहा था। वो कार आ रही थी, कार के आगे आगे भाग रहा था बंदा। अच्छा, पीछे से कोई हल्ला भी करता तो सीधा पूछ लेते, पकड़ लेते हैं। वो सीधा और इतनी तेज भी नहीं भाग रहा था, छोटे से कद का था और धीरे धीरे ही भाग रहा था, कोई ज्यादा तेज नहीं भाग रहा था वो। हमलावर ने जगदीश को इतनी नजदीक से गोली मारी कि गोली पीठ से निकलकर छाती से आर पार हो गई। फायर करने के बाद हमलावर की बाइक स्टार्ट नहीं हुई और वो बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घायल शख्स को साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। जो सफाई कर्मचारी था, जगदीश नाम का लड़का था, बहुत मेहंदी लड़का था, उसने पूरी परवाना रोड संभाली हुई थी। आज सुबह अचानक क्या हुआ, उसकी कमर पे गोली मारी और छाती से पार हो गई। जैसे ही मुझे पता चला, मैं साइड का विजिट की, पुलिस वालों को बुलाया, साथ में थाने में से हॉस्पिटल में ले गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का ही लग रहा है, लेकिन इस वारदात से सवाल दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े दावों पर भी खड़े होते हैं। अनिल अत्री, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।